हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री आश्रम। टुडेज आर टॉपिक अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी है यूवी। इसको शॉर्ट में यूवी बोलते हैं, इसको वैसे बोलते हैं यू मतलब अल्ट्रा और वी मीन्स वायलेट। अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, हिंदी में अल्ट्रा वायलेट को बोलते हैं पराबैंगनी और विजिबल को बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंग्लिश में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, सबसे पहले बता दूँ ये जो चैप्टर है वो बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और एमएससी वालों के लिए तो एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पूरा पेपर ही होता है। ठीक है, और अपने CSIR नेट में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बीएससी सेकंड ईयर, एमएससी एंड CSIR नेट। ओके, नेट गेट, ठीक है, जो भी है DRDO के एग्जाम्स हैं, नेट और गेट के एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़ते हैं हम, किस काम आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि मैं आपको ये दे दूं, बोर्ड पे लिख दिया मैंने ये फिनॉल। ठीक है, अब यहाँ लिख दिया मैंने फिनॉल। ठीक है, तो आप देख के इजीली इसको पहचान जाओगे कि ये क्या है, फिनॉल है। ठीक है, मैंने लिख दिया मान लीजिए ये, तो आप देख के इजीली पहचान लोगे कि ये क्या है, एथेन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको एक बीकर लूँ या टेस्ट ट्यूब लूँ, उसमें कुछ पाउडर दे दूँ या फिर कोई लिक्विड फॉर्म में दे दूं कोई कंपाउंड, ठीक है, और फिर तुमसे कहूं कि इसको बताइए ये क्या है, तो देख करके आप बता दोगे कि ये कौन सा कंपाउंड है, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे देखकर। तो उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच इजाद की गई। स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं और ये पता लगाते हैं कि वो जो अननोन कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड है, वो कौन सा कंपाउंड है। एथेन है, मेथेन है, एथेनॉल है, बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब समझ आया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं कि अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जिस कंपाउंड की स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है, लैब में हमको सिर्फ केवल एक कुछ सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, तो उसको पता करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बेसिकली कैसे यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, मतलब किस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हमें किस तरह से कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटेक्ट होती है वो देखिए। देखिए मान लीजिए कि मुझे ये दिया हुआ है कुछ बीकर में और ये कुछ पाउडर फॉर्म में दिया हुआ है या फिर लिक्विड ले लो, ये दिया हुआ है मुझे। ठीक है, तो मुझे इसकी ये अननोन कंपाउंड है और मुझे इसकी स्ट्रक्चर पता करनी है और ये पता करना है कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, तो मैं इस पर क्या करूँगी, इस कंपाउंड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल करूंगी। ठीक है, कौन सी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मीन्स विद्युत, मैग्नेटिक मीन्स चुंबकीय, रेडिएशंस मीन्स विकिरण, तो हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे ये दे रखा है और मुझे इसका पता करना है, तो मैं इस पर क्या फॉल करूंगी, क्या डालूंगी इस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालूंगी। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण इस पर डालूंगी। तो यहाँ पर मुझे कुछ, यहाँ पर एक पेपर होगा, उस पर कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ठीक है, जब ये इस पर मैंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली तो यहाँ से पास होगी, इससे ये पास होगी तो यहाँ इस पेपर पर गिरेगी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इस पेपर पर गिरेगी और यहाँ पर मुझे कुछ ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम या ग्राफ हिंदी में रेखा चित्र। ठीक है, जो भी स्पेक्ट्रम या ग्राफ मिलेगा उस स्पेक्ट्रम के थ्रू मैं क्या कर लूँगी, अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को, इसको देख करके, इसकी स्टडी करके, ठीक है, अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर मुझे पता चल जाएगी। तो बेसिकली ठीक है, क्या होता है कि जो कंपाउंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जो भी हमें कंपाउंड गिवन है उस पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण डालते हैं। तो जब ये पास होती है यहाँ से तो एक ग्राफ पेपर पर पड़ती है, वहाँ एक स्पेक्ट्रम ग्राफ सा प्राप्त होता है, उस ग्राफ के थ्रू हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो जाती है। ठीक है, तो ये है बेसिक इसकी थीम, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये क्या है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है,
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की। वैसे ट्वेल्थ क्लास के अंदर हम लोग विद्युत चुंबकीय विकिरण पढ़ के आ चुके हैं, ट्वेल्थ क्लास के अंदर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में वहाँ काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, लेकिन यहाँ मैं हल्का सा बता देती हूँ हमारे विद्युत चुंबकीय विकिरण जो शब्द आया है उस शब्द का मतलब क्या है। देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विद्युत चुंबकीय, जिसमें विद्युत और चुंबक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज हो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रॉपर्टीज शो करे वो विकिरण क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाती है। जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी शो करे, नाम से पता चल रहा है कि विद्युत यानी विद्युत के और चुंबकीय यानी चुंबक, विद्युत और चुंबक दोनों के गुण शो करे उसको क्या बोलते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है। एक चीज देखिए, ये जो विकिरण है ये क्या है कि वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब जानते हो, निर्वात, जहां पर कोई हवा नहीं हो, जहां पर कुछ भी नहीं हो, निर्वात, बिना वायु के निर्वात, वैक्यूम, ये वैक्यूम से भी पास हो सकती है, निर्वात से भी, जहां हवा नहीं है, कुछ नहीं है, वहां से भी ये विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या हो सकती है, पास हो सकती है। ये एक और प्रॉपर्टी है विद्युत चुंबकीय विकिरण की कि निर्वात में भी पास हो सकती है, ठीक है। एक देखिए, इनकी जो वेलोसिटी होती है विद्युत चुंबकीय विकिरण की, वेग, वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है, ठीक है। यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो वेग होता है या वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, प्रकाश का वेग कितना होता है बताइए, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी इतना वेग से ये क्या करती है, इतने फास्टली ये क्या करती है, ये गमन करती है, ठीक है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना इनका वेग होता है। एक लास्ट चीज और है, ठीक है, कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनमें जो विद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक रीजन है और मैग्नेटिक रीजन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल होता है इनके बीच में, ठीक है। कितना एंगल होता है, एक दूसरे के ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे मैं एक मैंने ये बना रखा है, डायग्राम बना रखा है, ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊं। देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो देखिए, इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ये विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा है, ठीक है, मान लीजिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा है, इस दिशा में या इस डायरेक्शन में हमारी ये जो तरंग है वो जा रही है, किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, इस तरह से जा रही है, ठीक है, ये जा रही है। तो इस दिशा ये तरंग की, तो जो विद्युत क्षेत्र वो इसकी जस्ट परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, विद्युत क्षेत्र इस तरह से होगा, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होगा, यानी कि ये इधर वाली ये दिशा है विद्युत चुंबकीय तरंग की, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, और ये 90 डिग्री के एंगल पर विद्युत क्षेत्र है और ये 90 तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे, ये दिशा, ये 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर पे ये विद्युत क्षेत्र हो गया, मैंने यहाँ लिखा है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र लिखा है मैंने यहाँ ब्लैक से, चुंबकीय क्षेत्र लिखा है, और ये रेड जो है ये विद्युत क्षेत्र है। देखिए, ये तुम्हारी कौन सी है, विद्युत क्षेत्र है, और ये तुम्हारा कौन सा है, ये चुंबकीय क्षेत्र। इसमें पता नहीं चल रहा, लेकिन ये दोनों इस तरह से 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, और इसके बीच में भी 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में और इसके बीच में भी 90 डिग्री है, यानी कि तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तीनों के बीच एक दूसरे क्या, कौन सा एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, जिसको मैं इस तरह से एक बार और शो कर देती हूँ। देखिए, ये तरंग की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र है जो इसके जस्ट 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है, और देखिए ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये तरंग की दिशा है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग की अपनी क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो हमने सबसे पहले बताया आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, अननोन कंपाउंड पर कौन सी तरंगे डालते हैं, विद्युत चुंबकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ये सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, मुझे समझ आ गया, अब बात आती है कि अल्ट्रावायलेट विजिबल ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं ये परावैगनी दृश्य या अल्ट्रावायलेट विजिबल। अब हमें देख रहे हैं कि परावैगनी दृश्य ये क्या है, अल्ट्रावायलेट विजिबल क्या है। तो आप ट्वेल्थ क्लास में एक स्पेक्ट्रम पढ़ के आए हुए हैं,
आए होंगे ये स्पेक्ट्रम है, आप 12th क्लास में ये स्पेक्ट्रम पढ़ा है हमने, ठीक है। स्पेक्ट्रम में क्या है कि कॉस्मिक और गामा किरणें सब जानते हैं क्या होती है, ठीक है। ये एक्स किरणें हैं, हिंदी में एक्स किरणें एक्स रेज बोलते हैं इंग्लिश में, और ये है अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, हिंदी बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, और ये विजिबल है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको दृश्य। ये इंफ्रा रेड, शॉर्ट में इसको IR बोलते हैं, IR, और हिंदी बोलते हैं अवरक्त। ये है माइक्रोवेव, ठीक है, हिंदी बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे, और ये रेडियो तरंगे हैं, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर अल्ट्रावायलेट विजिबल इस क्षेत्र की जो रेडिएशंस हैं या जो किरणें हैं, विकिरण हैं, जब किसी अननोन कंपाउंड पर डाली जाती है, हमें ये अननोन कंपाउंड है हमारा, हमें क्या करना है, इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालनी होती है, ठीक है। अगर इस रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालें, ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। कौन से रीजन की डालने पर, अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन की, जब ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के टाइप हैं ये सारे, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये भी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन अगर स्पेशली इस रीजन की डालें किरणें, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इस रीजन की किरणें डालेंगे अननोन कंपाउंड पर, इंफ्रारेड रीजन की, तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस रीजन की किरण डालेंगे अननोन कंपाउंड पर, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इस तरह से इन रीजन के हिसाब से स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम रखा गया है, कि जिस रीजन की किरणें हम डालते हैं कंपाउंड पर, उसी को हम उस नाम से उसी का नाम दे देते हैं। जैसे इस रीजन की डाली तो उसका नाम दे दे अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब तुम सोच रहे होंगे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कई नाम, स्पेक्ट्रोस्कोपी के कई नाम होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसी BSc सेकेंड ईयर के इसी चैप्टर के अंदर आगे आएगी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इनके नाम कैसे हैं, देखिए भाई, मान लीजिए मेरे को ये कंपाउंड दिया गया है, ये कंपाउंड दिया है, ठीक है, और मुझे कहा गया कि इसको आइडेंटिफाई करो। ये तो स्ट्रक्चर से तो पता चल गया, IUPAC नाम दे दूंगी मैं इसका और पता चल जाएगा मुझे किसकी स्ट्रक्चर है, पर मुझे ये दिया हुआ नहीं है, पाउडर फॉर्म में है ये वाला कंपाउंड दिया है, तो आइडेंटिफाई करो। तो देखिए, किसी भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूरी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखनी है, तो मुझे इससे केवल डबल बॉन्ड का पता लगेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पता लगा सकती हूँ मैं इसके द्वारा, ठीक है। अगर मुझे ये क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप है ना ये OH, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, इसका पता लगाना है, तो मुझे IR रीजन की डालनी पड़ेगी फिर किरणें उस कंपाउंड पर, ठीक है। और मुझे डबल बॉन्ड का पता लगाना है, तो मुझे इस रीजन से किरणें डालनी पड़ेंगी कंपाउंड पर, ठीक है। मुझे प्रोटॉन का पता लगाना है, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है ना, इन हाइड्रोजन्स का पता लगाना है, तो वो हाइड्रोजन्स का पता मुझे इसके थ्रू चलेगा, इन तरंगों को डालेंगे, रेडियो तरंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस हिसाब से हमने अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूरी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, अलग अलग चीज़ों स्पेक्ट्रोस्कोपी से अलग अलग चीज़ें पता होती है, जैसे हाइड्रोजन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलते हैं, ठीक है, वो BSc थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, BSc थर्ड ईयर का चैप्टर है। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पता यूवी विजिबल से चलता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का पता IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से चलता है, ठीक है। तो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम अलग अलग चीज़ों को पता कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये स्पेक्ट्रम है, इसको आप याद कर लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। अब देखिए, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, ये तो पता चल ही गया, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो इस रीजन की हमें क्या डालनी पड़ेगी, रेज डालनी पड़ेगी उसके ऊपर, या किरणें या विकिरण डालने पड़ेंगे। जब हम इधर से इधर जाते हैं, यहां से यहां जाते हैं, तो इन तरंगों की या इन विकिरणों की या इन रेडिएशंस की जो एनर्जी है, या ऊर्जा हिंदी में और बोलते हैं एनर्जी, वो हमारी डिक्रीज होती जाती है, यानी कम होती जाती है, डिक्रीज घटती जाती है, यानी कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसकी और कम, फिर लास्ट में जाके जो रेडियो तरंगे हैं इनकी एनर्जी सबसे कम हो जाती है, ठीक है। और हम अच्छे से जानते हैं
इसको इस चीज को E इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, ठीक है, न्यू क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इस फॉर्मूले से कि E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी कि E बढ़ेगा तो न्यू बढ़ेगा, E कम होगा तो न्यू कम होगा, ठीक है, यानी कि एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है इधर से इधर जाने पर, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है तो ये भी डिक्रीज होगी, ठीक है, यानी कि आवृत्ति हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, यानी कि ऊर्जा घट रही है तो आवृत्ति भी घट रही है, यानी कि इसकी ऊर्जा और इसकी आवृत्ति सबसे कम होगी, ठीक है। और एक चीज और जानते हैं, E इक्वल्स टू क्या होता है एच सी अपॉन लैम्डा, होता है कि नहीं होता, ठीक है, E इक्वल्स टू एच, ये फॉर्मूला सब जानते हैं, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है, तो मैं कह सकती हूं कि E इज एंटी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैम्डा, E और लैम्डा क्या है एंटी प्रोपोर्शनल है, यानी कि E बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा कम होगा, उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है, और E कम होगा तो लैम्डा बढ़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऊर्जा कम हो रही है या एनर्जी कम हो रही है तो जो हमारी वेवलेंथ है यानी कि तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ लैम्डा से शो करते हैं इसको न्यू से इसको ई से, ठीक है, ये क्या होगी इंक्रीजेज होगी, उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसकी वेवलेंथ सबसे कम, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है, तो हमारा ये वाला रीजन है तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो बहुत ज्यादा ना कम होगी ना बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, मिड में आ रहा है ये तो मीडियम ही होगी, ठीक है, तो वेवलेंथ इसकी इस हिसाब से होती है, ठीक है, तो ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम है, इसको याद कर लेना, इसको बोलते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। देखिए हमें यूवी और विजिबल पढ़ना है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो इनकी रेंज देखिए, अभी मैंने वो स्पेक्ट्रम बनाया था, ठीक है, तो मैंने बताया था इधर से जाते हैं तो एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पर एनर्जी क्या होती है कम, इधर वाली की एनर्जी सबसे ज़्यादा और उधर वाली की एनर्जी सबसे कम, ठीक है, और एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के क्या है एंटी प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो इधर से इधर जाएंगे तो जब एनर्जी कम होगी तो लैम्डा क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसकी यूवी विजिबल की रेंज कितनी होती है, कितनी इनकी रेंज है इन विकिरणों की जिनको हमें डालना पड़ेगा अननोन कंपाउंड के ऊपर, ठीक है, तो ये रेंज जरूर से जरूर याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेंज, ठीक है, क्योंकि रेंज के बिना कुछ भी नहीं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी रेंज से स्टार्ट है, ठीक है। देखिए यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, इसकी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक तो फार यूवी रीजन, यूवी रीजन हम रीजन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं रीजन कि कितना रीजन है कितना क्षेत्र है इसका, ठीक है, कितने क्षेत्र की हमें वेवलेंथ इसके ऊपर डालनी पड़ेगी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते। देखिए इसको मैं फार और नियर दो तरीके से मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है, तो फार जो रीजन है इसकी रेंज होती है 50 से 200 nm नैनोमीटर, nm को क्या बोलते हैं नैनोमीटर, अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूंगी तो 50 to 200 × 10⁻⁹ meter, ठीक है, इतनी रेंज होती है किसकी फार रीजन की, समझ में आई कि 50 से 200 nm, ठीक है, इतना हमें क्या डालना पड़ेगा, इतने रेंज की हमें रेडिएशंस किस पर डालनी पड़ेगी, अगर फार रीजन लेंगे तो उसके ऊपर जो हमारा नॉन कंपाउंड है उसके ऊपर, ठीक है, और नियर यूवी रीजन की रेंज कितनी होती है 200 से चलो और 400 nm मीटर में चेंज कर लेना, ठीक है, तो ये हमारी नियर की रेंज है, ठीक है, और ये मिलाकर के क्या कहलाता है हमारा, दोनों मिलाकर के क्या कहलाता है यूवी रीजन, ठीक है, यूवी रीजन पूरा है 50 से 400, तो अगर तुमसे कह दे कि यूवी रीजन बताइए, कभी कभार एक नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं रीजन के ऊपर कि यूवी रीजन कितना होता है, तो टोटल कितना हो गया 50 to 400 50 से 400 nm, ये कितना रीजन है हमारा यूवी रीजन है, ठीक है, और हमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है कि फार कितना है तो इतना और नियर कितना है तो इतना। एक चीज़ और बता दूँ, फार को वैक्यूम भी बोलते हैं, वैक्यूम रीजन, ठीक है, और नियर को बोलते हैं क्वार्ट्ज रीजन, नियर को बोला क्वार्ट्ज रीजन, एक नाम और है, अगर तुमसे कहे कि वैक्यूम रीजन की रेंज बताइए तो 50 to 200 nm,
अब तुमसे कहे क्वार्ट्ज रीजन की रेंज बताइए तो 200 टू 400 एनएम, ठीक है, और तुमसे कहे कि यूवी रीजन की रेंज बताइए तो पूरा आ जाएगा 50 टू 400, समझ में आ गया। अब विजिबल जो है उस रीजन की रेंज कितनी होती है, 400 तक, यहाँ तक आ गया 400 टू 800 एनएम, ये तुम्हारा कौन सा है, विजिबल रीजन की रेंज होगी, ठीक है। तो विजिबल रीजन कौन सा हो गया तुम्हारा, 400 टू 800 एनएम, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये रेंज है किसकी, यूवी और विजिबल रीजन की, यूवी की इतनी है और विजिबल की इतनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको कि अगर तुमसे कहे यूवी रीजन ना कह करके, क्वेश्चन घुमा के आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, यूवी रीजन ना कह करके तुमसे कहेगी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन बताइए, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन बताइए कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन क्या है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक का मतलब समझे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मतलब क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक का मतलब है कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई, ठीक है। तो यानी कि उस रीजन को बताइए जिससे हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो सकते। पूरा रीजन तो ये है, यूवी रीजन कितना 50 से 400 और विजिबल कितना है 400 से 800, लेकिन इसमें से हम स्ट्रक्चर को कौन से वाले रीजन से आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से वाले रीजन से हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई होती है, तो वो ध्यान दीजिए, ये जो रीजन है ये हमारे कोई काम का नहीं है। इस रीजन के द्वारा हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इस रीजन के द्वारा हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूवी विजिबल रीजन के द्वारा, जो कितनी है 200 टू 800 एनएम। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस भी घुमा के कई बार आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में भी और वैसे भी पेपर में भी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन पूछे तो हमारे ये फार कोई काम का नहीं, क्योंकि इसके द्वारा इसकी जो इस रेंज की रेडिएशन अगर हम डालें कंपाउंड पर हमें आइडेंटिफाई नहीं होगी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन तो क्या है 200 टू 800, लेकिन यूवी रीजन पूछ रहे स्पेक्ट्रोस्कोपिक ना दे करके, तो रीजन तो पूरा ही है यूवी इतना, ठीक है, और विजिबल रीजन कितना है ये अलग अलग पूछ रहे, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन पूछ ले तो इसके द्वारा आइडेंटिफाई होती है स्ट्रक्चर, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हमारी रेंज है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका एक नाम और है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या नाम है एक और, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब याद रखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यूवी विजिबल से ना कह के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके नाम से आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वही है ये यूवी विजिबल, ठीक है। अब ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं भाई इसको, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा स्ट्रक्चर तो आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन कौन सी किस चीज़ का पता लगता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, किस चीज़ का पता लगता है यूवी विजिबल के द्वारा, पाई बॉन्ड का, एक तरह से कह दो आप, सी डबल बॉन्ड और सी ट्रिपल बॉन्ड का पता लगता है, कितने डबल बॉन्ड है कितने ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ पर है, इस टाइप का, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोलते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, हम जानते हैं पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड होते हैं, ढीले बंधे होते हैं, तो जैसे ही इसको एनर्जी देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस पर क्या डालेंगे, रेडिएशन डालेंगे। तुम्हें पता है स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी रेडिएशन डालनी पड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पर डालेंगे, ठीक है, तो तुम्हें पता है बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन। सिग्मा जानते हैं कौन से होते हैं, सी डबल बॉन्ड सी को क्या बोलते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड सी को क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हुआ तो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हुआ तो ये सिग्मा और ये कितने पाई, तो ये हमारे पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 ही क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है, और एन इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं पता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर को क्या बोलते हैं, जैसे ओ एच है, ओ के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ऐसे ये इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग या अबंधी, हिंदी में बोलते हैं अबंधी इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग, या फिर अपन सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं लोन पेयर, क्या, लोन पेयर, ठीक है। तो जैसे ही
मान लीजिए मैंने सी डबल बॉन्ड चाहिए और इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली, इसको पता करने के लिए, कंपाउंड की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने इस पर जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो तुमको पता है टाइट बंधे होते हैं, टाइट हेल्ड होते हैं, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन है सबको पता है कि वो लूजली हेल्ड होते हैं, ढीले बंधे होते हैं, इनको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि ढीले बंधे होते हैं इसलिए। तो ये फटाफट से क्या करेंगे, ये फटाफट से क्या करेंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से, है ना, या लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ रखा हुआ है और जैसे ही मैंने इसको एनर्जी दी तो क्या करा, ये निम्न या लो लेवल से क्या चला गया, हाई लेवल में चला गया। ठीक है, अब चला तो गया हाई लेवल में, हाई लेवल में जाने के लिए इसने ऊर्जा को क्या किया, अब्सॉर्ब किया, अब्सॉर्ब किया है। ठीक है, ऊर्जा क्या हुआ है, ऊर्जा अब्सॉर्ब हुई है। ठीक है, और जब वापस से आएगा नीचे तो उसी ऊर्जा को क्या करेगा, एमिट करेगा या उत्सर्जित करेगा। ठीक है, और जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई है वही हमें ग्राफ पेपर पर मिल जाती है, किसके रूप में, ग्राफ के रूप में, जिसके द्वारा हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को पता कर लेते हैं। पता होगा कि जब हमें किसी भी कंपाउंड को ऊर्जा देते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उच्च ऊर्जा स्तर में हाई लेवल में चल जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो जब ग्राउंड लेवल में आता है या लो लेवल में आता है तो क्या करता है, उसी ऊर्जा को क्या करता है, वो निकालता है। ठीक है, या उत्सर्जित करता है या एमिट करता है। तो जो उत्सर्जित ऊर्जा हुई है वही हमें क्या, किस में मिल जाएगी, ग्राफ पेपर पर मिल जाएगी, और हमें क्या मिल जाएगा, उसका स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। ठीक है, और स्पेक्ट्रम के थ्रू हमें, ग्राफ के थ्रू हम क्या कर लेंगे, स्ट्रक्चर को पता कर लेंगे। ठीक है, तो चूंकि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। कैसे, इलेक्ट्रॉन, इसका जब हमने ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन उच्च में चला गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ऊपर नीचे, या इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाना या उच्च से निम्न में आना होता है। तो इलेक्ट्रॉनों से रिलेटेड है इसलिए इस ऊर्जा स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोला इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने जाने पर ये रिलेटेड है, ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसलिए बोला इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रो। एक चीज और बता दूं आपको कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अब्सॉर्प्शन, या हिंदी बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, अब्सॉर्प्शन या अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का। क्यों, क्योंकि साफ पता चल रहा है इसमें कि जब मैंने इसको कंपाउंड को ऊर्जा दी तो उसने क्या किया, ऊर्जा का क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया या ऊर्जा को अब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो उस वजह से इसको बोला अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सारी ऊर्जा इसने क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर ली ना, इसलिए इसको बोला अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। या तो इसके तीन नाम हो गए, एक तो इस तरह से हो गया अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये। ठीक है, हो सकता है कि अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी तो IR भी हो। ठीक है, तो वो अभी मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल पूछे तो तुम कह सकते हो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एक नाम और क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कभी कभार एग्जाम में ये क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ठीक है, तो वही है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज बताओ, तो वही रेंज है जो इसकी रेंज है। ठीक है, तो ये समझ में आए बात।